हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा आर्या। आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेचिंग, जो कि एवरी वर्कआउट के बिफोर आपको करना बहुत मस्ट है, चाहे आप डांस करें चाहे आप वर्कआउट करें। सो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। सो आपको सिर्फ 5 to 7 मिनट्स निकालने हैं एंड आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। सो आज हम लोग स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। आपको सबसे पहले नेक अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन एटलीस्ट 4 to 5 times, देन राइट टू लेफ्ट। गुड, एंड देन रोटेट योर नेक। अच्छे से आपको रोटेट करना है स्लोली एंड चेंज अदर साइड, सेम स्ट्रेच करना है बहुत अच्छे से। डाउन, हैंड्स बैक एंड होल्ड, अप अपसाइड एंड होल्ड, देन राइट साइड एंड होल्ड एंड लेफ्ट साइड एंड होल्ड। गुड, एंड आपको इसके बाद शोल्डर रोटेट करना है। आप 8 to 10 times ये रोटेट कर सकते हैं एंड देन चेंज अदर साइड। वेरी नाइस, देन हैंड अप, वन हैंड अप एंड स्ट्रेच। आपको एक हाथ ऊपर लेके जाना है एंड अपोजिट साइड में स्ट्रेच करना है। आप जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। चेंज अदर हैंड एंड स्ट्रेच। आप ये स्ट्रेचिंग भी 8 to 10 counts आराम से कर सकते हैं। ये साइड का स्ट्रेच आपको बहुत बेटर फील कराएगा एंड आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। हैंड ओपन एंड एल्बो टच एंड स्ट्रेच, सेम जैसे आपने पहले किया सेम आपको वैसे ही करना है। चेंज अदर साइड, स्ट्रेच एटलीस्ट 8 to 10 times। गुड, देन हैंड्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैंने यहाँ 10 counts किया है, आप चाहें तो आप 8 या 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको हैंड अप फ्रंट की तरफ एंड बैक की तरफ हिट करना है, देन अप एंड देन डाउन की तरफ आपको हिट करना है। गुड, अभी आपको हैंड्स अप ले जाना एंड आप कोई चीज़ ऊपर से पुल करेंगे तो कैसे स्ट्रेच करेंगे, आपको वैसे स्ट्रेच करना है एटलीस्ट 8 to 10 times। शोल्डर रोटेट, बैक साइड शोल्डर रोटेट, फ्रंट साइड, ये आपको हैंड ओपन करके करना है। देन आपको राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेच करना है बहुत अच्छे से। आप जितना पॉसिबल हो आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं एंड देन हैंड्स को रिलैक्स करना है। ओपन योर हैंड एंड स्ट्रेच, चेंज अदर हैंड, स्ट्रेच। सो ये हमारा हैंड एंड शोल्डर का स्ट्रेचिंग हुआ। अभी हम आते हैं पैल्विक की तरफ। तो आपको राइट टू लेफ्ट हाफ सर्कल बनाना है एंड स्लोली जाना है। वेरी गुड, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। देन आपको पेल्विक स्ट्रेच करना है, राइट साइड स्ट्रेच देन लेफ्ट साइड स्ट्रेच। रिपीट 4 to 5 times,
देन आपको ट्विस्ट करना है राइट टू लेफ्ट। आपको देखना फ्रंट की तरफ है, आपको बॉडी के साथ हेड भी ट्विस्ट नहीं करना है, आपको देखना फ्रंट की तरफ है। ओनली आपका पैल्विक एंड हैंड ही रोटेट होगा। देन आपको नी स्ट्रेट रखना है एंड फ्रंट साइड आपको होल्ड करना है। देन बैक साइड पुश 4 times, स्लोली अप एंड स्ट्रेच, फ्रंट साइड होल्ड, नी स्ट्रेट, बैक साइड पुश, स्लोली अप, गो टू बैक एंड स्ट्रेच, नाइस। वन मोर टाइम, बैक साइड पुश, स्लोली अप एंड स्ट्रेच, अगेन सेम, बैक साइड पुश, स्लोली अप एंड स्ट्रेच। अभी आपको डाउन होना है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका वन लेग जिसमें नी स्ट्रेट है वो नी स्ट्रेट रहेगा एंड आपको हिल डाउन ही रखना है, ट्विस्ट करना है एंड अभी स्ट्रेच करना है, ये केयरफुली करना है। सेम चेंज अदर साइड, हिल डाउन है इसमें एंड मेरा नी स्ट्रेट है, आप ध्यान से देखिए। अभी ट्विस्ट करना है, स्ट्रेच करना है, आपके थाइस में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा एंड स्ट्रेच, ये बैक स्ट्रेच बहुत अच्छा आएगा। देन राइट साइड होल्ड, लेफ्ट साइड होल्ड, आपको फीट क्लोज करना है, टच द फ्लोर एंड होल्ड फॉर 10 seconds, स्लोली अप, हैंड्स अप, स्ट्रेच एंड अप, आपको पूरी बॉडी अप करनी है एंड होल्ड करना है। देन आपको ओपन करना है लेग एंड राइट या लेफ्ट साइड जो भी आपको प्रिफर होगा, पहले वहाँ पे होल्ड करिए, स्ट्रेच करिए, देन चेंज अदर साइड, सेम, हैंड्स बैक करना है एंड पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। देन स्लोली आपको डाउन आना है एंड होल्ड, स्लोली अप, देन लेग स्ट्रेच करना है। आप चाहे तो वॉल भी पकड़ सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं वॉल को एंड शेक योर हैंड, शेक योर, थैंक यू।